हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी की जिनकी तरफ से एम एंड पीएचडी के लिए नोटिफिकेशंस आए हुए हैं सो so, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं एंड येस yes, अगर आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने में तो आप अप्लाई कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दैट इज ये जो वेबसाइट है जिसपे आपको विजिट करना है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है सो आप उसे देख सकते हैं वीडियो देखने के बाद अगर हेल्पफुल लगे तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो सो ऑनलाइन डॉट आरबी डॉट नेट डॉट इन यह है पर्टिकुलर वेबसाइट इस पर विजिट करेंगे तो देखिए यहां पे नोटिफिकेशन के सेक्शंस हैं इसी में स्क्रॉल करने के बाद आपको मिलेगा पी और एम का ऑप्शन सो वेट सो so, ये से स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे यू कैन सी एम फिल एंड पी एच डी का ऑप्शन है सो नोटिस फॉर पी एच डी एडमिशन एंड नोटिस फॉर एम फिल एडमिशन तो चलिए वन बाई वन ओपन करते हैं और नोटिफिकेशन को देखते हैं एंड सॉरी फॉर दी बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस अगर है तो नहीं है तो वेल एंड गुड सो ओपन करते हैं सबसे पहले पी एच डी के नोटिफिकेशन को सो so यस yes, ये है नोटिफिकेशन डेट है ट्वेंटी सिक्स ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन एडमिशन नोटिस एंड बाकी इन्फॉमेशन को आप देख सकते हैं मेनली फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड फाइन आर्ट्स है जिनके लिए नोटिफिकेशन आया है लास्ट डेट इज सैवंथ ऑफ नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड ये वेबसाइट से इन पर अपोज़िट कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए एंड इन बाकी इन्फॉमेशन के लिए सो नंबर ऑफ़ सीट्स में देखिए फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में ये ओवरऑल सब्जेक्ट्स हैं सबसे पहले बंगाली है जिसमें कि अप टू टेन सीट्स हैं ठीक है तो कितनी है किस पर्टिकुलर कैटेगरी की वो भी लिखी है इंग्लिश में सिक्स है देन संस्कृत में ट्वेल्व फिलासफी में सेवन हिस्ट्री में एलेवन इकोनॉमिक्स सिक्स एजुकेशन फोर एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस थ्री ठीक है आप कैटेगरी वाइज चेक कर लीजिएगा आपकी जो भी कैटेगरी हो इसके बाद है फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट जिसमें म्यूजिकोलॉजी में टू वोकल म्यूजिक में टू एंड ड्रामा में थ्री सीट्स हैं देन इंस्ट्रोमेंटल इंस्ट्रोमेंटल म्यूजिक है, है जिसमें की थ्री सीट्स हैं एंड कैटेगरी वाइज प्लीज़ चेक कर लीजिएगा देन क्राइटेरिया सिमिलर है मास्टर्स डिग्री है फिफ्टी मार्क्स के साथ सो so, आप एलिजिबल हैं आप अप्लाई कर सकते हैं एंड बाकी रिजर्व जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्राइटेरिया डिफरेंट है फाइव परसेंट बेसिकली रिलैक्सेशन है देन क्या प्रोसेस है सो so, एंट्रेंस होता है फिर इंटरव्यू होगा और आप उसे क्वालिफाई करेंगे कुछ कैंडिडेट्स हैं जो कि एग्जिमटेड हैं सो so, उन्हें नहीं देना होगा एंट्रेंस टेस्ट वो डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे जो रिटर्न होगा वो हंड्रेड मार्क्स का होगा टोटल ड्यूरेशन थ्री आवर्स होगा एंड दो हाफ्स होंगे दैट इज दो पार्ट्स होंगे दो हाफ्स या दो पार्ट जो हैं उसमें फर्स्ट पार्ट कॉमन होगा सभी कैंडिडेट्स के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई करो ये होगा रिसर्च मैथडोलॉजी का पेपर ठीक है एंड ये भी एमसीक्यू बेस्ड ही होगा

कोर्स फी सो कोर्स फी कितनी है ओवरऑल इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए एक्सटर्नल के लिए या आप चेक कर सकते हैं देन है कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन सो ये लिटरली जनरल है कुछ हार्ड आपको सेंड नहीं करनी है उनका एरिया so प्लीज चेक कर लीजिएगा आपके एरिया में जरूरी है कि कोई वर्क करते हो प्रोफेसर अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना अगर एरिया में ही सुपरवाइजर नहीं होंगे तो सो डू चेक इट आउट अब हम ओपन करते हैं एम फिल पी एम फिल का जो नोटिफिकेशन है उसे so, स yes, ये नोटिफिकेशन है एम का यहाँ पे भी है फेकल्टीट्री और एजुकेशन में सीट्स है हिस्ट्री में सेवन एंड एजुकेशन में फाइव सीट्स अवेलेबल है फाइन आर्ट्स में सिर्फ म्यूजिकोलॉजी है जिसमें की सिर्फ एक सीट है वो भी अनरिजर्व के लिए है सो डू चेक इट आउट एंड बाकी इलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री हो फी फाइव परसेंट मार्क्स के साथ सो so आप एलिजिबल होंगे रिलेक्सेशन है अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो ये yes, आप अप्लाई कर सकते हैं बट तो आपको एनओसी देना ही होगा प्रोसेसर क्या है so, होगा। जो भी एग्जेप्टेड है उनका रिटर्न नहीं होगा तो एग्जेमटेड कौन है सेम नेट सेट गेट क्वालिफाइड हैं या फिर टीचर फेलोशिप होल्डर हैं सो आप एग्जेमटेड होंगे देन रिटर्न एंट्रेंस होगा इंटरव्यू होगा उससे रिलेटेड यहाँ पे बाकी इंफॉमेशन है सो रिटर्न हंड्रेड मार्क्स का होगा थ्री आर्स का होगा दो हाफ्स होंगे दैट इज दो पार्ट्स हैं फर्स्ट कॉमन होगा सभी के लिए रिसर्च मैथडोजी के उसमें क्वेश्चन होंगे फिफ्टी मार्क्स का टोटल होगा वन वन मार्क्स ईच के क्वेश्चन होंगे एम बेस्ड ही होगा डेढ़ घंटे का ये पेपर होगा उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है जो सेकेंड हाफ होगा उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा ये सिर्फ एम बेस्ड नहीं होगा ठीक है ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा सो so, yes, ये इंफॉर्मेश्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं सो आप तो देख लीजिएगा एक बार कोई इशू होता है कोई इशू होता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है आपने तो एंड फीस भी प्रॉपरली इसी में दी हुई है सो आई थिंक आपको सारी इंफॉर्मेश्स इन नोटिफिकेशन में मिल जाएगी ऑल्सो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन फैकल्टीज़ का जरूर देख लीजिएगा सो येस गाइज दैट इज इट फॉर टुडे ये था वीडियो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है एज आई ऑलरेडी से प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड येस यू कैन लाइक एंड शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो एज वेल दट इज़ इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग